दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसे भूतिया जहाज लेकर आया हूँ जिनके बारे में जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, जिनको घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। द एमवी एल्टा। साल 2020 में आइलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट पर एक वीरान पड़ी भूतिया शिप को खोजा गया, जिनको खोजने वाले बेरी मैकडोनल्ड का कहना था कि जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह शिप यहाँ पर वीरान पड़ी है। बाद में जब उसने इसके बारे में कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया तो उन्हें पता चला कि असल में ये शिप, जिसका नाम एवी एल्टा था, जो 2018 में यहाँ मौजूद चट्टानों के बीच फंस गई थी और उसमें मौजूद क्रू ने उस शिप को वहाँ पर छोड़ दिया और वहाँ से निकल गए थे। बाद में 20 दिनों तक पानी में रहने के बाद उस क्रू को अमेरिका कोस्ट गार्ड के द्वारा बरमुडा ट्रायंगल के पास रेस्क्यू किया गया, लेकिन वो शिप तब से वहीं उन्हें चट्टानों के बीच फंसी हुई है। लेटवियन शिप विरेक। एक दिन जब कुछ लोगों ने लेटवियन बीच के नजदीक एक जहाज को जमीन में दबा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वहां मौजूद लोकल अथॉरिटी को दे दिया। बाद में जब उस शिप को जमीन खोदकर बाहर निकाला गया तो उसको देखकर ये बता पाना काफी मुश्किल था कि ये शिप किस देश की है। बाद में जब इस शिप को बनाने के लिए काम में लिए गए मटेरियल की जाँच की गयी तो पता चला कि ये शिप ब्रिटिश एम्पायर की थी, जिसे उन्होंने 200 साल पहले ट्रेड करने के लिए बनाया था, लेकिन आज भी ये कोई नहीं जानता ये शिप यहाँ जमीन में कैसे पहुंच गई। एल्का लेउच। चिली आइलैंड के लोकल लोगों की माने तो जैसे ही समुद्र में लो टाइड होती है तो उन्हें पानी में से भूतिया आवाजें आने लगती है और स्मोक में से एक शिप बाहर आती है, जो कि एक सफेद रंग की सीलिंग शिप होती है, जो कि वहाँ के लोगों को एक भूतिया शिप लगती है। कई लोगों को लगता है कि इस शिप को पानी में मर चुके लोगों के भूत द्वारा चलाया जाता है, वही बाकी इसे एक जिंदा जहाज मानते है जो अपने आप वहाँ आता है। कोहेनी गेवन फैंटम शिप। असल में इस जहाज की कहानी 1920 में शुरू होती है, जब एक शिप मेकर दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाकर अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और लगातार 8 सालों तक बिना किसी दिक्कत के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद जब वो 75 लोगों के साथ फिर से एक सफर पर निकलता है तो अपने सफर के 8 दिन बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसको फिर से 1 साल बाद पानी के नीचे चलते हुए देखा गया। लेकिन जब उसके नजदीक जाने की कोशिश की गई तो वो वहां से गायब हो गया और तब से लेकर आज तक वो शिप लापता ही है। 20 वेक्स विरेक। 16वीं सदी में खो चुकी ये शिप, जिसको आज तक कोई नहीं खोज पाया। कई लोग मानते हैं कि ये शिप ओरेगोन कोस्ट के पास मौजूद है, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। बताया जाता है कि जब ये शिप कैंडल बनाने वाले वेक्स को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, तभी रास्ते में आए तूफान की वजह से ये चट्टानों से जा टकराया और पानी की गहराई में समा गया। आज भी नॉर्थन यूएस के कई इलाकों में लोगों को बीच पर 20 वेक्स के टुकड़े मिलते रहते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये सभी वेक्स टुकड़े उस लापता जहाज से यहाँ आते। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।